है अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना। बना लो अपने खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा। पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। घर गृहस्थी संभालने के साथ साथ इंसान अपनी पढ़ाई भी कर सकता है, और आप भी तो यही चाहती थी ना। वो कल की बात थी, बोल दिया था, लेकिन आज नया दिन, बस अब मुझे अपना घर गृहस्थी संभालना है। और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इस घर के संस्कार और मर्यादा पर कोई उंगली उठाए। यहाँ तुम बड़ा आदमी बने आए थे ना, गाँव वाले के सामने तो तुम सीना चौड़ा करके यहाँ पर आ गए हो, लेकिन जो वापस जाओगे तो कौन सा मुँह लेकर जाओगे, क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में सब लोग। अब इतना सोचो मत, चलो अंदर चलो। भौजी, आज के जमाने में बेटियां बेटों के कंधों से कंधा मिलाकर समाज के विकास में अपना योगदान दे रही हैं। वो तो समय ही बताएगा प्रधान जी कि कौन का करेगा। बाकी एगो वो जमाना था कि ये उम्र में तो लड़का फैका सब हो जाता था। जमाना बदल रहा है भौजी, जैसे खेती करने को ही ले लो। क्यों धीरज, कम लागत में ज्यादा से ज्यादा पैदावार कैसे हो ये तो तुम जानते ही हो। जी प्रधान जी, अगर हम थोड़ी सी समझदारी दिखाएंगे तो समय के साथ बहुत सारी चीजें आसान हो सकती है। भौजी, आपका ये जो बेटा है ना, बहुत होशियार है, अपने पिता पर गया है एकदम। बेटा, मैं यहाँ इसलिए आया था कि मुझे मालूम पड़ा तुम मिश्रित खेती कर रहे हो। मैंने सोचा कि इसका लाभ तो हमारे सभी किसान भाइयों को मिलना चाहिए। प्रधान जी, इसलिए तो मैं शहर से गांव आया हूं, ताकि मैं खुद खेती करूं और अपने किसान भाइयों को नए नए आधुनिक तरीकों के बारे में बता सकूं। आप दोनों आपस में बताइए, हम चाय लेकर आते हैं। चाय अभी तो नहीं है ना? हाँ माँ। क्या हुआ माँ? हाँ, तबीयत ठीक है ना? कुछ नहीं हुआ बेटा, चिंता मत करो, कुछ नहीं हुआ। अरे भौजी, तबीयत खराब है तो डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। अरे नहीं प्रधान जी, बुढ़ापे में तनी कमजोरी लगी रहती है। चिंता मत करो, कुछ नहीं हुआ। अरे पर बुढ़ापे में तबीयत का ख्याल रखना भी तो चाहिए हमको। अरे ये तो रोज का है प्रधान जी। पतोहू को बेल देते हैं, काढ़ा बना दे, एकदम से ठीक हो जाएंगे। माँ, तुम हमेशा लापरवाही करती रहती हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हें पता है हम लोगों का क्या होगा। अरे हमको क्या होना है, अबे तो हमको नाती पोते का ब्याह भी देखना है। बातें करो, चाय लेकर आते हैं। देखे ना प्रधान जी, माँ अपना जरा भी ख्याल नहीं रखती है, और हम लोगों को कुछ भी हो जाता है ना तो पूरा घर सर पे उठा लेती है। इसीलिए तो वो माँ है। बेटा भौजी जानती हैं कि उन्हें अपना ख्याल कैसे रखना है, पर हाँ, समय रहते उन्हें डॉक्टर को जरूर दिखा लें। जी प्रधान जी। हम दोनों भाई मिलकर बाऊ जी के सपने को अगर इतना भी साकार कर पाए ना, तो बाऊ जी की आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। अच्छा भैया, मैं ना वो शहर जाना चाहता हूँ, कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, अपना नाम कमाना चाहता हूँ। अरे तो तुम गांव में रहकर भी ये सब कमा सकते हो, इसमें शहर जाने की क्या जरूरत है। देखो सूरज, कभी कभी दूर की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब हम उसके करीब जाते हैं तो बस वो सब हवा हवाई लगती है। अरे सूरज बेटा। जी भैया। माँ के पैर तो ना अंगद की तरह हो रहे हैं, जो रावण से भी नहीं उठे। मारूंगी हाँ, तुम दोनों घोड़े के जैसे बड़े हो गए हो, लेकिन तुम लोगों का बचपना नहीं गया अभी तक।
मेरी बहुरिया, चाय बना रही हो कि किरण डूबो रही हो? तुम्हारे चाय की आस में तो पता नहीं बेचारा मेहमान बैठ के आघा जाए। माँ चाय तैयार है। पूरे घर की जिम्मेदारी हमारे सर पे है। अरे कहाँ हुआ बेटा, प्रधान जी चले गए का? हाँ माँ वो चले गए। देखा, तुम्हारी चाय के चक्कर में चले गए प्रधान जी। माँ मुझे भी जल्दी निकलना है, व्यापारियों से मिलना है, लेकिन फटाफट तुम तैयार हो जाओ। सबसे पहले तो मैं अस्पताल ले चल के डॉक्टर से दिखाता हूँ। माँ क्या हुआ आपको, आपकी तबीयत खराब है? हाँ चक्कर आ गया था माँ, अपना ख्याल जो नहीं रखती। अरे उसमें क्या ध्यान रखना है, मौसम बदल रहा है बेटा, छोटा मोटा बात तो लगा ही रहेगा। माँ आप लापरवाही मत कीजिए, आप जाकर डॉक्टर को दिखा लीजिए। धीरज भैया सही कह रहे हैं, आप चली जाइए। आप दूधू गोल लड़का पैदा करके बड़ा किया है, अब तुम हमको सिखाओगी कि हमें का करना चाहिए और का नहीं? माँ इसमें सिखाने वाली कौन सी बात है, तबीयत खराब हुई है तो डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा ना। माँ आप कहिए तो मैं भी आपके साथ चलती हूँ, डॉक्टर कुछ परहेज बताएगा तो मैं उसका अच्छे से ख्याल रख लूंगी। अरे वाह बहुरिया, पति गया नहीं कि लगी घर की चौखट फाड़ने। हम सब समझ रहे हैं, कहाँ जाती हो तुम? गाँव जवार के लोग हमें ये ताना मारे कि देखो सूरज की मेहरारू कैसे फिरंड बन के घूम रही है। दहलीज लांघना भी मत, घर की मान मर्यादा को गौर के पी जाने का इरादा है का? अबे हम जिंदा है, समझ गई? माँ मैं तो बस डॉक्टर। चार अक्षर का पढ़ लियो, एकर मतलब ये नहीं कि हमारे कपार पे चढ़ के लगाम थाम लोगी। माँ आशा ठीक ही तो कह रही है, आखिर आपका ख्याल वही रखेगी ना? अरे हम इतना भी कमजोर नहीं हुए बेटा कि खुद का ख्याल ना रख सके। और तुम परेशान मत हो, हमें कुछ नहीं हुआ है, तुम ढेर सारी चिंता छोड़ दो। और तुम खड़ी खड़ी कहाँ देख रही हो, हमारे लिए काढ़ा बना के लेके आओ, पियेंगे ना तो एकदम ठीक हो जाएंगे, जाओ। जी माँ। अरे रुको बेटा, काढ़ा बाद में देना, सबसे पहले माँ के लिए हल्दी वाला गर्म दूध लेके आओ। माँ को जब कमजोरी होती है तो हल्दी वाला दूध पीकर सही हो जाती है। ठीक है भैया। क्या बात है माँ, कितना परेशान क्यों हो, सूरज की याद आ रही है क्या? हाँ बेटा, आज तक सूरज को कभी भी हमने अपने से अलग नहीं किया, बचपन से लेके आज तक सुबह शाम उसका चेहरा देखते आ रहे हैं। और देखो ना कितना समय हो गया, ना उसका चेहरा देखा है ना उसका आवाज सुना है। माँ मैं इसीलिए उसे नहीं भेज रहा था, मुझे पता था कि उसके बिना आप नहीं रह पाओगे। अब तो वो पहुंच गया होगा, मैं फोन लगाता हूँ। नेटवर्क ही नहीं है, सूरज भी फोन कर रहा होगा, मुझे तो फोन ही नहीं लग रहा होगा। लेकिन बेटा वो ठीक से पहुंच तो गया होगा ना? माँ इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, सूरज अपना समझदार है। और तुम्हें क्या लगता है कि सूरज वहाँ परेशान होगा शहर में तो मैं उसे रहने दूंगा? अरे उसे मैं लेकर आऊंगा। लाओ मुझे तो, मैं पिलाता हूँ। ये लो माँ। अरे माँ ये लो दूध पियो। अपनी किरण बिटिया जब ससुराल जाएगी और उसको हम सबकी याद आएगी तो यही सब सामान देख के अपना मन बहला लेगी। लड़का तो कोई ढंग का मिला नहीं अब तक अपनी किरणिया के लिए, और तुम उसको अब ऐसे ससुराल भेजने की तैयारी कर रही। तो आप क्या चाहते हैं, हम अपनी बिटिया का बक्सा तैयार ना करें, उसकी शादी की तैयारी ना करें? एक बात साफ साफ कह देते हैं
हम फीका फीका ब्याह नहीं करेंगे किरणिया का। अरे तुमको जो करना है सो करो, फीका फीका नहीं, खूब भर भर के रंग डाल के त्योहार की तरह से उसका ब्याह कर। बाकी तो जो भगवान चाहेंगे वही होगा। ये देखो आप तो भगवान के नाम पर एकदम आलसी हो गए हैं। ऐसे तो हो चुका किरणिया का ब्याह, एक तो रिश्ता टूट भी गया है। अब तुम फिर वही पुरानी बात लेकर बैठ गई हो। वो लड़का लोग तो एक नंबर के लालची थे। अच्छा हुआ हुआ ब्याह नहीं हुआ। लेकिन एक बात बताओ, अब गांव जवार में रिश्तेदारी में किरणिया के लिए लड़का क्या बात किए है कि नहीं? एक दूसरे के बात चलाई है, देखते हैं क्या होता है। अरे पीछे पड़ना पड़ता है, बिटिया के बाप का चप्पल घिस जाता है लड़का ढूंढते ढूंढते, और आप बैठे बैठे सोच रहे हैं कि अच्छा रिश्ता अपने आप घर आ जाएगा। अब बात तो चलाई है, लेकिन अपनी बिटिया के लिए कोई योग्य लड़का मिल ही नहीं रहा है तो क्या करें? बस यही होता है, लड़की को पढ़ा लिखा दो तो योग्य लड़का नहीं मिलता, और ना पढ़ाओ लिखाओ तो लड़की का शोषण होता है ससुराल में। चाची जी, आ गई नागिन, अब देखो कैसा मीठा जहर उगलेगी। ये देखिए आम लाई हूँ मैं, कच्चा आम। अभी जाते हैं इसको काट के लाते हैं, नमक के साथ बैठ के मजे से खाएंगे। आपको नहीं मिलेगा चाचा जी, आपको डॉक्टर ने ये सब खाने के लिए मना किया है। अपनी बिटिया समझे, पर एक आप है हमारी बात तो सुनते नहीं है। सही कही बिटिया, तो एक छटाक भर मत देना इनको। वैसे भी बाहर निकलते ही जीभ पर कंट्रोल तो होता नहीं है इनको, कुछ भी अनाप शनाप खा लेते हैं, और जब तबीयत खराब होती है तो भुगतना हम दोनों को पड़ता है। जरा सा चख लेने में क्या बिगड़ेगा? देखो जरा सा है ना चाचा जी, बाद में बहुत सारा हो जाता है। अच्छा चलिए थोड़ा सा दे दूंगी मैं आपको, अब खुश? हाँ, जा जल्दी से काट के लिया। साल का पहला आम है, तेरी देखा जाए कि कितना मीठा हुआ है। पता है हम लोग तो गर्मी में पूरा दोपहर हम आम के बगीचे में ही बैठा करते थे। अरे चाची जी ये क्या कर रहे हैं? अरे तुमने ससुराल के लिए बक्सा तैयार कर रहे हैं, तुम देख लेना बाद में कि इसमें और क्या क्या रखना है। अरे ये तो मेरा बचपन का खिलौना है, अब तक संभाल के रखा है आपने? अरे हम अपनी बिटिया की बहुत सारी चीजें संभाल कर रखे हैं, तुमको क्या पता कि तुम्हारी गुड़िया। बचपन में यही गुड़िया तुम्हारी सहेली हुआ करती थी, सोना जागना उठना बैठना सब इसी के साथ। और पता तुम इसको अपना पाठ भी याद कराती थी। चाचा जी ये जो आपने आम चुराया है ना, चुपचाप से बाहर निकाल के रख दीजिए, समझे? चलिए बाहर निकालिए। बुढ़ौती में खुश हो जाना। वैसे भी तुम यहाँ कितना दिन रहने वाली हो? तुम हमारे बेटे का रास्ता काट रही थी ना, अब देखो हम तुम्हारा रास्ता कैसे साफ करते हैं। प्रधान जी भी जो है ना गांव के चक्रोट का फंड रोक के बैठे हैं, और ये गांव वाले जो है खेत की तरह हम पे नजरे कड़ाए बैठे हैं कि कब मौका मिले और हमको नोच खाए, और ये किरणिया पूरे गांव वाले को भड़का के रखे है। इसका हम कहा करें कुछ समझे में नहीं आ रहा है। किरण को क्या दोष दे रहे हो? काम का जिम्मेवारी खुद ली है ना, तो खुद करना पड़ेगा ना काम। काम कर लोगे थोड़ा बहुत तो छवि अच्छी बन जाएगी गाँव वालों के साथ। किसके रोके रुका है सवेरा, गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसके रोके रुका है सवेरा। अरे देखिए सिंह साहब, अरे आपका पैसा
आपका पैसा मिल जाएगा सिंह साहब। आज तक कभी आपका पैसा फंसा है? जो अब फंसेगा। देखिए सिंह साहब, लेट सवेर पैसा तो आपका मिल ही जाता है, और हम कहीं भागे जा रहे हैं क्या? हाँ, आप टेंशन मत लीजिए, अब ग्राम सभा से पैसा निकालना मेरा जिम्मेदारी है सिंह साहब, मैं निकलवा के आपको पैसा पे कराऊंगा। हाँ सिंह साहब, माल भेज दीजिए। ओके। एक प्रधान जी भी जो है ना, गांव के चक्रोट का फंड रोक के बैठे हैं, और ये गांव वाले जो हैं खेत की तरह हम पे नजरें कड़ाए बैठे हैं। एक का मौका मिले और हमको नोच खाए, और किरणिया किरणिया तो और ही पूरे गांव वाले को भड़का के रखी है। इसका हम कहा करें कुछ समझे में नहीं आ रहा है। किरण को क्या दोष दे रहे हो? काम का जिम्मेवारी खुद ली हो ना, तो खुद करना पड़ेगा ना काम, कि दूसरा कर देगा? आ, काम कर लोगे थोड़ा बहुत तो छवि अच्छी बन जाएगी गांव वालों के सामने। तुम यहाँ क्या करने आए हो? पंचायत में सुना के अभी चैन नहीं मिला क्या? जो किए थे ना वहां पे अच्छा किए थे, तुम्हारे लिए वही अच्छा था। पर गांव वालों को जो तुम चक्रोट के चक्कर में इतना दिन से घुमा रहे थे ना, हम देख रहे थे, देखे कैसे हम दो मिनट में हल निकाल दिया उसका। देखो हम कह देते हैं, हम तुमको देखते हैं ना तो हमारा माथा जो चकरिया जाता है। एक काम करो, निकलो निकलो जाओ। अरे हमको भी तुमको देखने का शौक नहीं है, वो तुम्हारा आदमी हमको दारू नहीं दे रहा, उसको बोलो दारू देगा। जेब में फूटी कौड़ी नहीं और दारू चाहिए साहब, जब नहीं मिलेगा दारू। अरे तो उधार तो मिल सकता है ना, वो नहीं मिलेगा धार चाहिए। अरे जितने का हम दारू पी उससे ज्यादा कीमत तुमको हम दिए हैं, इस दारू के चक्कर में सब बर्बाद कर लिया अपना। छबिलिया हमको वैल्यू नहीं करती है, औजार उठाते हैं तो पूरा हमारा हाथ कांपता है, दारू नहीं पीते हैं तो ऐसा लगता है हमारा खून सूख रहा है। ये धर्म बड़ी काम का चीज है और पढ़ा लिखा भी है, इसको अपने साचे में वह उतार लिया जाए ना, बड़ी काम का चीज साबित हो गई। देखो धर्मा, तुमको दारू चाहिए, जितना चाहिए उतना मिलेगा, और तुमसे कोई हिसाब भी नहीं मांगेगा, बस तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा। अरे बोलो ना क्या क्या करना है, जो बोलोगे वो हम कर देंगे, हमारे पास ऐसा हुनर है कि हम हेलीकॉप्टर बना सकते हैं, तुम बोलो। हेलीकॉप्टर में तेल भरवाना पड़ेगा ना, जो जो हम कह रहे हैं ना बस वैसे से तुम करते जाओ, समझ गया? समझ गया, लेकिन तुम जो चाहते हो होगा नहीं, नहीं करेंगे हम तुम्हारा काम, तुम्हारे से गलत आदमी के साथ हम कोई गलत काम नहीं करने वाले, और तुम्हारा गलत काम करोगे ना तुम्हें छाती पे बैठ जाएंगे हम। तो फिर कहां यहां चले आए? जेब में पैसा होता नहीं है और शराब पीने चले आते हैं। तो, भाग से। अरे भाग जाएंगे हम, लेकिन हम मुशर्रा भी नहीं है जो शराब के चक्कर में अपना ईमान बेच दे, समझे? अपना घर हम तबाह कर दिए हैं, लेकिन तुम जैसे इंसान के साथ काम करके ना हम दुनिया का लानत नहीं लेंगे। देखो कह रहा है ना, निकलो यहां से, चलो चलो जाओ यहां से। अरे तो जाते हैं ना, कभी नहीं आएंगे हम यहां, अब देख लेना, आएंगे हम पैसा लेके आएंगे, तुम्हारा पूरा ठेका खरीद के लेके जाएंगे हम, समझे? अरे पॉलिटेक्निक इंजीनियर है हम, बस दो को नट खाली टाइट करेंगे ना, कि देखना पैसा जेब में आ गया, फिर के लेके जाओ जाओ। देखते हैं कौन सा पहाड़ तोड़ लेते हो तुम। क्या है नंदनी, इसको खाना कहते हैं? खाना और कैसा होता है भाई, रोटी है, सब्जी है, ये सूखी रोटी, ये सब्जी। हाँ सूरज, सब ठीक है ना? हाँ भैया,
सब ठीक है, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। ये लो माँ से बात करो। अरे बेटा, जब से तुम गए हो ना, घर एकदम से सुना हो गया है। माँ, हमें भी आपके बिना ना यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। लो अपनी मेहरा रू से बात करो। हेलो हेलो, किसके रोके रुका है सवेरा। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। किसके रोके रुका है सवेरा। ये आ गया अपना खाना। शुरू करें। अरे खाना, क्या है चंदनी, इसको खाना कहते हैं? तो खाना और कैसा होता है भाई, रोटी है, सब्जी है और सलाद भी है, मजे से खाओ। ये सूखी रोटी और ये सब्जी है। ए भाई, ये अपना गांव नहीं है कि खेत से ताजा ताजा तोड़ा, पकाया और गर्म गर्म खा लिया। यहाँ जो मिलता है ना, उसी से पेट भरना पड़ता है। और तुमको ये खाना नहीं खाना है तो जाओ बना लो। इसे खाने से अच्छा है ना हम अपने लिए खुद बना लेंगे। बना लो। क्या हुआ, खाना नहीं बनाना आता है ना? कभी जिंदगी में खाना बनाए हो? जिंदगी भर तो चाची अपने हाथ से बनाकर खिलाती रिखाओ, कभी कभी छोटकी बहनिया बना के खिलाती होगी, ऊपर से भौजी आ गई है। देखिए सूरज, जब मैं भी शहर आया था ना, तो तुम्हारी तरफ बात करता था। क्या करे यार, ये भागदौड़ की जिंदगी में ना ठीक से पेट भर जाए और सोने के लिए जगह मिल जाए, वही बहुत है। लगा का फोन। अब घंटी बज रही है माँ। हेलो। हाँ सूरज, सब ठीक है ना? आराम से पहुंच गए ना? हाँ भैया, हम पहुंच गए थे। क्या हुआ बेटा, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, सब ठीक है ना? हाँ हाँ भैया, सब ठीक है, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, बिल्कुल चिंता मत करिए। सब ठीक है ना, खाना वाना खा लिया ना? हाँ भैया, बस खाना ही खा रहे थे, और बहुत बढ़िया खाना है, वो चंदन ने खुद बनाया। आप सब व्यवस्था ठीक है ना वहाँ पे? हाँ भैया, यहाँ सब एकदम बढ़िया व्यवस्था है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और भैया घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है। अब ये लो। हेलो, हाँ ये लो, माँ से बात करो। अरे सूरज बिटवा, कैसन हो? अरे समय पे खाना वाना खा रहे हो ना? अरे बेटा, जब से तुम गए हो ना, घर एकदम से सुना हो गया है। माँ, हमें भी आपके बिना ना यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। बड़ी याद आ रही माँ, पर अब जो करने आए हैं उसके लिए तो। अरे नाना बेटा, मन लगा के बराबर काम करना। हाँ, और जल्दी ही अपने पास हमको भी बुला लेना। अरे देखने को बहुत मन कर रहा है अपने कलेजे के टुकड़े को। अब माँ,
आशा की भी बात करा दो, देखो कब से खड़ी है। हाँ हाँ, अरे सुनो बेटा, समय पे खाना खा लेना। हाँ लो, अपनी मेहरन से बात करो। लो बेटा। हेलो हेलो, और बताओ सूरज से बात हुई? अरे ऐसे काहे कर रही हो, सब ठीक हो जाएगा। और हमारा मन कहता है कि एक दिन सूरज को एहसास होगा। तुम इतने टाइम से शहर में रह रहे हो, मेरे लिए कोई काम ढूंढो। इस शहर में नौकरी मिलना इतना आसान नहीं है, तुम डिग्री भी नहीं लाए हो, लेकिन अब तक कोई ना कोई काम धाम तो देखना ही पड़ेगा तुम्हारे लिए। हाँ यार, क्योंकि मैंने अपने आप से वादा किया है कि जब तक मैं कुछ करके बड़ा आदमी नहीं बन जाता तब तक गाँव वापस नहीं जाऊँगा। पाना है अगर मंजिल, दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना, सूरज की तरह तपना। बना लो अपने खुददारी, जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, किसके रोके रुका है सवेरा।